जिले के दो ब्लॉकों की ग्राम पंचायतों में परफॉर्मेंस ग्रांट में हुई अनियमितता के मामले में जीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर, पूर्व प्रधान और पंचायत के 10 अधिकारियों कर्मचारियों पर शुक्रवार को अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद ग्राम पंचायत अधिकारियों सफाई कर्मी के संगठन ने जिलाधिकारी विजय किरण आनंद से मुलाकात कर डीपीआरओ को निर्दोष बताते हुए जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है, जिस पर जिलाधिकारी ने लोगों को आश्वस्त किया है कि डीपीआरओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी लेकिन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि भटट ब्लॉक की ग्राम पंचायत जंगल हरपुर में परफॉर्मेंस ग्रांट के 47 लाख रुपए के फर्जी भुगतान के प्रयास पर डीपीआरओ सहित 8 लोगों पर गिलेरिया थाने में, जबकि भरोइया में 22 लाख का फर्जी भुगतान हो जाने पर पूर्व ग्राम प्रधान व सचिव पर पीपीगंज थाने में FIR दर्ज हुई है। इस संबंध में उन्होंने DM विजय किरण आनंद से भी मिलकर अपना पूरा पक्ष रखा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विवेक सिंह और उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह ने कहा, अगर कोई गलत करेगा तो बचेगा नहीं, लेकिन अगर कोई सही करेगा तो हम जान लगा देंगे। विवेक सिंह, जैसे गोरखपुर 37 ग्राम पंचायतों में परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत धनराशि प्राप्त हुई थी जिससे विकास कार्य होना था, लेकिन जिला प्रशासन ACS साहब के आदेश को मानता नहीं है, वो कुछ और लिख के भेजते हैं, जिला प्रशासन CDO साहब कुछ और जारी करते हैं, यही टकराहट की स्थिति है। अब जो है पिछले वित्तीय वर्ष में कुछ गांव में पैसा निकला था, हमको लगता है 4 या 5 गांव में निकला था पैसा, उसी के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है, जबकि उसमें DPRO साहब का क्या दोष है। DPRO साहब, जैसे मान लीजिए बैंक में लूट होती है तो पहले चाबी पता किया जाता है, हम डोंगल लगाएंगे तभी पैसा जाएगा, उसमें क्या कर सकते हैं DPRO, चाहे कोई क्या उसमें क्या कसूर है, कोई कसूर नहीं है। तो क्या बात हुई अभी DM साहब? DM साहब ने कहा है कि इसकी निष्पक्ष जाँच कराएंगे और जो है जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। और रही बात DPRO साहब की, तो उन्होंने आपके सामने ही कहा है कि कहीं कोई बात नहीं है, उनका हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो किस थाने में फायर हुआ था? गुलरिया था। DM साहब के से मुलाकात का मामला यह था, DPRO साहब के खिलाफ FIR दर्ज हुई, जो दोषी थे ADO पंचायत चरगावा, जिसने सफाई कर्मचारियों को अटैच करके 10 साल से केवल उससे सफाई कर्मचारियों का शोषण करवाता था, प्रधानों का गलत तरीके से पेमेंट करवाता था, और लगभग उस सफाई कर्मचारी अपने पत्नी के नाम से एक NGO वो फर्म बना करके वो फर्जी भुगतान करता था, और ADO पंचायत चरगावा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो निर्दोष आदमी था, सबसे अच्छा पंचायत विभाग का सबसे टॉप क्लास का अधिकारी DPRO, उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई, और उस FIR में कहीं भी DPRO साहब की भूमिका नहीं थी, लेकिन ADO पंचायत की भूमिका चरगावा की थी, उसके खिलाफ FIR नहीं दर्ज हुआ था। मैंने DM साहब से स्पष्ट कर दिया, मैं अपने संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैंने कह दिया कि अगर ADO पंचायत चरगावा जेल नहीं जाएगा, वह दोषी है, अगर DPRO साहब के खिलाफ जो FIR हुई वापस नहीं ली जाएगी तो निश्चित हमें पूरे प्रदेश को सोमवार से बंद कराऊंगा। DM साहब ने आश्वस्त किया कि DPRO के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी, अगर चरगावा का ADO पंचायत दोषी है तो सस्पेंड भी हुआ है, वो उन्होंने मुझे खुद दिखाया कि ADO पंचायत चरगावा सस्पेंड है, FIR दर्ज है, अगर एक हफ्ते के अंदर जेल नहीं गया ADO पंचायत चरगावा तो मैं कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि मैं पूरे प्रदेश को बंद कराऊंगा और ADO पंचायत चरगावा जेल जाएगा। क्या नाम उनका ADO पंचायत का? श्री कृष्ण वर्मा। परफॉर्मेंस ग्रांट वाली बात हो रही थी, परफॉर्मेंस ग्रांट की तो DPRO लोग थे, वो प्रधान लोग थे, अपनी बात कहे हैं, वो प्रधान संघ लोग बताएंगे। मेरी बात थी कि इस प्रदेश का सबसे टॉप क्लास का DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर हैं, जिनके खिलाफ गलत तरीके से FIR दर्ज कर दी गई, और जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसके खिलाफ FIR नहीं दर्ज थी, लेकिन DM साहब ने मुझे आश्वस्त किया, उन्होंने दिखाया कि ADO पंचायत के खिलाफ कल FIR भी दर्ज हो गई है, सस्पेंड भी हो गया। मुझे विश्वास है DM साहब पर कि निर्दोष लोग निश्चित नहीं फंसेंगे, जो दोषी है वो जेल जाएगा।